हेलो दोस्तों, मैं चंद्रमान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और ये देखिए, आज मेरे पीछे ये जो मंदिर है इसमें हम रुके हुए थे, और गांव का नाम है मणिखेड़ा। ये फ्लाईओवर है, इस फ्लाईओवर से हमको जाना है। और देखिए, सुबह का समय है, ये सूरज निकलते हुए, और इस मंदिर में हम रुके हुए थे। और ये हमारा साइकिल वगैरह सामान वगैरह पैक है ही, हमने अपना टेंट लगाया था। तो दोस्तों, चलते हैं आज की यात्रा का, आज हम शुभारंभ करते हैं नर्मदा परिक्रमा का। दोस्तों, मणिखेड़ा से हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है, और यहाँ से जबलपुर 48 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आज हम जहाँ तक हैं, 2 बजे तक या 3 बजे तक जो है ग्वारी घाट पहुँच जाएंगे। तो आज हो सकता है दोस्तों मुझे साइकिल चलाते हुए करीब 5-6 दिन हो गए, तो हो सकता है कि आज मैं वहाँ एक दिन का रेस्ट भी लूँ, और कपड़े वपड़े भी मेरे को धोने हैं। कपड़े भी मेरे काफ़ी गंदे हो चुके हैं। और इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, एक रास्ते में कल मेरे को एक कार में दो व्यक्ति मिले थे, यहाँ से मणिखेड़ा से 16 किलोमीटर की दूरी पर उनका कॉलेज है, स्कूल है। तो उनका मेरे को कल रात को भी फ़ोन आया था कि भैया आपको यहाँ आना है हमारे स्कूल में। तो चलते हैं, अभी देखते हैं कितने बजे हम पहुँचेंगे। तो उनके स्कूल होते हुए चलेंगे, और इस समय कोहरा भी छाया हुआ है। देखिए दोस्तों, मैं सुबह मणिखेड़ा से चला था सुबह 8 बजे, और कल मेरे को एक जो घाट था यहाँ से करीब 35 किलोमीटर दूरी पर, तो वहाँ मुझे दो सर मिले थे, और उनका ये स्कूल है मेरे पीछे, है माउंटेन हाइट। तो इस स्कूल में मुझे बुलाया था उन्होंने, तो आज वो आते नहीं हैं, वो 10-11-12 बजे यहाँ इस स्कूल में आते हैं। लेकिन मेरी खातिर मैंने उनको फ़ोन किया, तो वो मेरे लिए सुबह 8:30 बजे यहाँ इस स्कूल में आ गए। तो वो 9 बजे करीब इस स्कूल में आ गए, और मैं अभी आपको उनसे मिलाता हूँ। तो देखिए, मैं इस तरफ से आया था, और इधर हमको जाना है जबलपुर, अभी यहाँ से 36 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये माउंटेन हाइट इंटरनेशनल स्कूल है। तो देखिए, जो सुधीर सर थे, तो वो मेरे लिए यहाँ 9 बजे मुझसे मिलने के लिए आए। और ये सर हैं, ये देखिए, वैसे ये स्कूल में इतनी जल्दी आते नहीं हैं, लेकिन मैंने इनको फ़ोन किया था, तो मेरी वजह से ये मुझसे मिलने के लिए आए, और इन्होंने कल मुझे यहाँ बुलाया था। ये मेरे को 35-40 किलोमीटर दूर एक घाट सेक्शन में मिले थे। तो सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? नर्मदे हर। आप आए, हमें बहुत खुशी हुई, और हम चाहते हैं कि जो भी नर्मदा परिक्रमा श्रद्धालु हैं, और वो हमारे यहाँ आए और हमें सेवा का मौका मिले, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप आए। दोस्तों देखिए, इस समय इससे अभी थोड़ी देर पहले मैं माउंटेन हाइट इंटरनेशनल स्कूल में था, और इसके जो सर थे, एक सुधीर जी, वो मुझे कल घाट सेक्शन में मिले थे। तो उन्होंने मुझसे कल बहुत रिक्वेस्ट किया था कि शाम को हमारे स्कूल पहुँचना, और वहीं आपको सारी फैसिलिटी, रहना वगैरह सारी सुविधा मिलेगी। तो मैंने उनसे कहा मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगा, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं उससे 16 किलोमीटर पहले मणिखेड़ा गांव में रुका था। तो आज मैंने सुबह 8 बजे चल करके 9:15 बजे करीब मैं इस माउंटेन हाइट स्कूल में आ गया था, और सर को मैंने फ़ोन किया था, वो मेरे लिए सुबह जल्दी आ गए थे। तो दोस्तों, वो उनसे मिल करके भी काफ़ी अच्छा लगा, कि खाने नाश्ते वगैरह की खाना और नाश्ता वगैरह सारा मंगा रहे थे, लेकिन मैंने उनको कहा नहीं, अभी सुबह सुबह ऐसा कुछ नहीं। तो मैंने कि चाय और बिस्किट उन्होंने मंगा दिए, चाय और बिस्कुट लेने के बाद अब ये मेरी यात्रा
आगे के लिए जारी है। दोस्तों देखिए, अभी यहाँ से जबलपुर जो है करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर है, तो अभी देखते हैं हम कितनी देर में जबलपुर पहुँचते हैं। दोस्तों इस समय हम जबलपुर शहर में प्रवेश कर चुके हैं। दोस्तों देखिए, इस समय मैं ग्वारी घाट आ चुका हूँ और मैं ग्वारी घाट आ गया था यहाँ करीब करीब 1:30 बजे करीब। तो मैंने यहाँ एक जय भोलेनाथ जय झूलेलाल आश्रम है, वहाँ मैं रुका हुआ हूँ। तो अभी मैं थोड़ा अपने आराम करता हूँ, थोड़ा वीडियो एडिट करता हूँ, फिर उसके बाद मैं शाम को 7 बजे आरती होगी ग्वारी घाट पर, तो मैं आरती के लिए चलूँगा, आपको आरती के दर्शन कराऊँगा। और यह देखिए, यह आश्रम है, इस आश्रम में आज मैं स्टे करूंगा। और ये बहुत ही सुंदर मंदिर है, ये झूलेलाल जी, ये शिव शंकर जी, ये शिवलिंग रूपी। और देखिए, बहुत ही अद्भुत मंदिर है ये, बहुत ही सुंदर। और इसी आश्रम में मुझे रूम मिला है, तो मैं आपको रूम दिखाता हूँ। ये मेरा रूम है, ये मेरा सामान है, ये छोटे छोटे दो बेड पड़े हुए हैं और ये टॉयलेट बाथरूम। यहाँ अपने कपड़े अभी धो के डाले हैं, इसलिए मेरे को घाट पर जाने का समय नहीं मिला। शाम को 7 बजे आरती के समय मैं घाट पर आपको अवश्य लेके चलूँगा। और उसको देखिए, इस समय मैं जबलपुर के ग्वारी घाट पर हूँ और मैं आरती का समय होने जा रहा है, तो मैं चलता हूँ ग्वारी घाट आरती के लिए और मैं आपको घाट का नज़ारा दिखलाता हूँ। इस समय 6:30-7:30 बज रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। और इस तरह का ये माहौल है, ये शाम को आरती का समय होने जा रहा है, आरती के लिए जो स्टेज हैं वो लग चुकी हैं, तो चलते हैं। ये देखिए, आरती के लिए स्टेज लग चुकी हैं। देखिए दोस्तों, इस समय मैं जबलपुर के ग्वारी घाट पर हूँ, जहाँ से मैंने आपको ये लाइव आरती दिखलाई। तो दोस्तों, आज का मेरा यह वीडियो मैं यहीं इसको विराम देता हूँ और मिलता हूँ नर्मदा परिक्रमा के अगले संस्करण में। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ इस नर्मदा परिक्रमा में, जो कि मैं जबलपुर से अमरकंटक मेरे को जाना है, जो कि अभी करीब यहाँ से 300 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों, आपके सहयोग और सपोर्ट चाहिए मुझे, आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद। नर्मदे हर।